से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। कसूर में जहनी, जिस्मानी, गूंगे, बहरे बच्चों के इलाज, मुआवजे और चेकअप के लिए दो रोजा फ्री कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों में अमराज की तशखीस के लिए मुख्तलिफ टेस्ट अद्वियात के साथ वालदेन को आगाही भी फराहम की गई। इस मौका पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी ने कैंप का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, आइए आपको बराह रास्त वहाँ पर ले चलते हैं। मोहतरमा मुजम्मल मसूद भट्टी साहिबा, जनाब नदीम हारून खान साहब, शोएश साहब, कंबोज साहब और नदीम भाई की सारी फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है। मेरे लिए ये खुशी का मौका है और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ही होगा। इसमें मैंने आगे सवाल किया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक बड़ा तारीखी इकदाम किया था सेहत कार्ड का, मैंने ये पूछा था कि क्या ये सेहत कार्ड में कवर्ड है कि नहीं है, तो मालूम हुआ कि नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैं ये सजेशन दूंगा हुकूमत को कि बच्चों की जो इस तरह की बीमारियां हैं उन्हें भी सेहत कार्ड का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि जो मुआशरा अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करता है वो समझ लें कि आइंदा आने वाली नस्ल के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। इनसे यानी जिस आदमी के बारे में ये था कि वो स्पीड है और वो बड़ा कामयाब है, चारों शाने छेद है, ना कोई इकोनॉमिक टीम है, ना उसका कोई नतीजा है। बिला वजह नहीं कैमरे पे के सामने बैठ के रो रहे, वजह है उसकी, उनकी अपनी फैक्ट्रियां की। तो इस साल भी और गुज़िश्ता साल भी 150 अरब रुपए का मुनाफा कमाए और पाकिस्तान 150 अरब डॉलर ज़मीन के अंदर धंस जाए, ये आपके वज़ीर ख़जाना हैं और ये लो इनका क्या है, डॉलर फ्लाई कर रहा है यहाँ से, यानी अफगानिस्तान को चोरी हो रहा है, इनके सामने हो रहा है। हम सेनेट में भी पूरी बात करते हैं, प्रेस के सामने भी पूरी बात करते हैं। हाल का हाल क्या है, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम, कोई अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क, लोग, सरमायाकार, पॉलिसी मेकर्स पाकिस्तान की ये जो इम्पोर्टेड रजीम है इसके ऊपर एतबार नहीं कर, और कोई पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर IMF 6 महीनों में उससे 1.17 बिलियन ये ले चुके हैं और गड़ा ये 10 बिलियन जितना खोद चुके हैं, तो ये कोई यानी कोई कर्ज नहीं है, कोई दोस्त ममालिक इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और हम इनसे तो कुछ कहना जो है वो कारला हासिल है, रोज़ाना ही तकरीबन एहतजाज हो रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन पूरी कॉल होती है, उसमें मेन एजेंडा ये होता है कि लोग अवाम क्या सोच रहे हैं, अवाम की तकालीफ क्या। लाइफ एक हसीन बैलेंस है, देखे अनदेखे के बीच में। जो मिले डॉलर्स के ऑल न्यू रेफ्रिजरेटर्स की साइड इल्यूमिनेटेड लाइट से, जो रेफ्रिजरेटर्स को रखे ब्राइट और बढ़ाए विजिबिलिटी, क्योंकि डॉलर्स रिलायबल।